इंटरनेशनल लिटरेसी डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। साक्षरता व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालती है। साक्षर न केवल एक व्यक्ति के जीवन को समृद्ध करती है बल्कि यह लोगों के लिए कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करती है। साक्षरता का अर्थ साक्षर होना अर्थात पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। विश्व साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को साक्षर होने की ओर प्रेरित करना और हर किसी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना तथा साक्षरता का प्रसार करना, दुनिया के सभी लोगों का साक्षर बनाना, इसके अलावा लोगों को मानव अधिकारों के रूप में साक्षरता के महत्व को समझाना और वयस्क शिक्षा साक्षरता दर को बढ़ावा देना इसका मकसद है। विश्व स्तर पर हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1966 में की गई, जिसके बाद 8 सितंबर 1966 को इसे पहली बार मनाया गया। भारत और कई देशों में शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ऐसे में सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा सर्व शिक्षा अभियान इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्तिगत भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत में नाम लिखना और पढ़ना साक्षरता की कैटेगरी में आता है। दुनिया भर में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा एक नया विषय या थीम घोषित किया जाता है। इस साल 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, 2021 की थीम थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। धन्यवाद।